रणधीर शर्मा ने कहा कि वे राजनीति में व्यापार करने नहीं बल्कि लोक सेवा करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि यदि विपक्षी विधायक जनमत को राजनीति का अखाड़ा बनाने का प्रयास करेंगे तो उसे सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का हक है तथा उन्होंने द्योद में आयोजित जनमत में अपना स्पष्टीकरण दिया था और यदि विधायक उससे संतुष्ट नहीं थे तो वे लोकतांत्रिक तरीके से भी अपनी बात रखते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। रणधीर शर्मा ने कहा कि वे राजनीति में व्यापार करने नहीं आए हैं, राजनीति में वो लोक सेवा करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि यदि विपक्षी विधायक जनमंच को राजनीति का अखाड़ा बनाने का प्रयास करेंगे तो उसे सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का हक है तथा उन्होंने द्योत में आयोजित जनमंच में अपना स्पष्टीकरण दिया था और यदि विधायक उससे संतुष्ट नहीं थे तो वे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया बल्कि जनमंच को मिल रही सफलता से घबराकर उसे असफल करने का प्रयास जरूर किया। उन्होंने कहा कि एनएच को लेकर पूर्व कांग्रेस सरकार के समय 5 अगस्त 2015 को एक नोटिफिकेशन जारी हुई थी। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से एनएच का रखरखाव करने की जिम्मेवारी लोक निर्माण विभाग को दी गई थी और इस पर आने वाले खर्च का आधा हिस्सा फोर लेन का निर्माण कर रही कंपनी को बहन करना था, लेकिन मौजूदा समय फोर लेन का काम बंद है। रणधीर शर्मा ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता को नसीहत दी है कि वे तथ्यों को जानकर बयानबाजी करें तथा कथित तौर पर डराने धमकाने का प्रयास न करें। उन्होंने पूर्व सरकार से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया कि वो अपने निजी कामों को लेकर सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते थे। तब कांग्रेस सरकार को पैसे की बर्बादी नहीं दिखती थी, अब लोगों के लिए लगाए जा रहे पैसा इनको चुभने क्यों लगा है। जनमंच कार्यक्रम की सफलता इस बात से प्रदर्शित होती है कि जो कांग्रेसी नेता इसका विरोध करते थे आज वो इन कार्यक्रमों में भाग लेने आते हैं, परंतु आकर इस कार्यक्रम की सफलता को पचा नहीं पा रहे, इसलिए व्यवधान डालकर इसको असफल करने का प्रयास कर रहे हैं। किन्नौर में ऐसी घटना घटी, अभी हमारे नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के द्योग में ऐसी घटना घटी जिसमें यहाँ के विधायक महोदय ने संयम खोते हुए उत्तेजित होकर जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया वो अत्यंत निंदनीय है और जिस तरह उन्होंने समर्थकों को उकसाकर मृदंगवादी की उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रशासन का जिनके कारण कोई व्यवधान नहीं पड़ा, जनमंच कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलता रहा जिसमें सैकड़ों लोगों के जो वहां पर काम मौके पर हुए, चाहे वो आय प्रमाण पत्र बनना था, चाहे जाति का प्रमाण पत्र बनना था, चाहे हिमाचली सर्टिफिकेट बनना था, चाहे इसी तरह से कोई रेवेन्यू के उनके इंतकाल के काम थे, पार्टीशन के काम थे, वो सैकड़ों लोगों को वहां पर लाभ हुआ है। मैं जो पिछले कल उन्होंने आरोप लगाए हैं उनके बारे में कहना चाहूँगा, निराधार बातें करते हैं। ये जनमंच कार्यक्रम की सफलता है कि हर जनमंच कार्यक्रम में पहले से ज़्यादा जनता आती है और इस पर जो सरकारी पैसा खर्च होता है वो जनता के लिए खर्च होता है। उनको आज कांग्रेस के नेताओं को, चाहे उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं चाहे उनके छोटे नेता हैं, उनको आज इस धन की चिंता है। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार के समय उनके मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी सरकारी हेलीकॉप्टर लेकर दिल्ली जाते थे सिर्फ अपने व्यक्तिगत मामलों को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए। सरकारी धन से वकीलों को फीस दी जाती थी, तब तो इनको सरकारी धन की चिंता नहीं थी। आज आम आदमी के लिए अगर धन खर्च हो रहा है तो उसकी चिंता क्यों हो रही है, मुझे ये बात समझ नहीं आती। और मैं कहना चाहता हूं आज उनके प्रदेशाध्यक्ष ने टिप्पणी की है, वो आज पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, उनको तथ्यों पर बात करनी चाहिए।